पंचबद्री करना था मुझे, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पे जो विष्णु जी का मूर्ति है वो स्टैंड है, मतलब वो खड़े हैं, और बद्रीनाथ में जो वो बैठे हुए हैं। ये आदि बद्री, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं हूँ कर्णप्रयाग से थोड़ा सा पीछे, जहाँ पे कल रात को होटल लिया था, और अभी यहाँ से निकलूंगा मैं कर्णप्रयाग, वहाँ से फिर जाएंगे आदि बद्री, और उसके बाद फिर देहरादून। आज ही देहरादून पहुँचना है, और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है, तो 215-20 किलोमीटर के आसपास आज राइड करना है। तो सोचा था सुबह ही निकलूंगा, लेकिन अभी 7 बज गया, तो अभी निकलते हैं। आधा घंटा में तो सब कुछ रैप वैप करके मैं निकल जाऊँ। सामान यहीं पड़ा हुआ है, ये सब सामान इधर पड़ा, बस इसको बाइक पर लोड करना है और निकलना है यहाँ से। तो फटाफट निकलते हैं और रास्ते में नाश्ता वास्ता कर लेंगे, तो लेट हो रहा है, अभी निकलते हैं और आपसे मिलते हैं सीधे बाइक पे। तो निकलने का समय आ गया है, अब यहाँ से निकलते होटल से। मैं था, ये होटल कौन सा, द केदार देव्स। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ओके से नहीं निकले, इधर से निकालते। ऑल राइट, अभी यहाँ से जाएंगे आदि बद्री, और उसके बाद देखते आगे का क्या सीन है, लेकिन शाम तक घर पहुँचना है कैसे भी। जय भोले। चले फिर चलते हैं दोस्त। हर हर महादेव, जय भोले। अभी सबसे पहले चाय पीने के लिए कहीं पे रुकना है, उसके बाद आगे चलेंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो ठंड थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, धूप निकल चुका है, और जहाँ पे धूप रहता है वहां पे अच्छा लगता है। अभी ऐसा होटल ढूंढते हैं जहाँ पे धूप हो, और वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। पहुँच गए जी कर्णप्रयाग। अब यहाँ से आदि बद्री का रास्ता एक दूसरा जाता है, और दूसरा देहरादून के लिए, तो वो ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है, तो जाके वापस आ जाऊंगा मैं। तो वहां पे चलते हैं, और पहले पूछते, शायद नीचे वाला रास्ता किसी से पूछना पड़ेगा। आदि बद्री वाला रास्ता कहाँ है? आदि बद्री नीचे वाला, ठीक है, थैंक यू। ये नीचे वाला ही रास्ता है। यहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास है, तो आधे एक घंटे में होके आ जाऊंगा मैं। फिर यहीं से पीछे वाला रास्ता है, वो देहरादून को जाता है, तो वहाँ पे फिर जल्दी करके आएंगे, फिर जाएंगे देहरादून। शाम तक पहुँचना है, तो 200 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। पहुँच गए हम, लेकिन बाइक लगाना है किधर, ये तो रास्ता हो जाएगा, देखते बाइक लगाते, फिर आपसे मंदिर पे मिलते हैं। ये आदि बद्री, और यहाँ पे जूता खोलना है, जूता खोल के फिर अंदर जाते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, जितना पुराना बद्रीनाथ है उतना ही पुराना है। पहुंच गया हूँ अभी, ये जो है विष्णु टेम्पल है, मेन विष्णु टेम्पल ये है, और बाकी यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे टेम्पल है, लेकिन जो आदि बद्री का टेम्पल है वो ये है। तो अभी अंदर जाते हैं, दर्शन करके आते, फिर आपको यहाँ का व्यू दिखाते। अंदर मंदिर में दर्शन करके आ गया, और ये आदि बद्री है, पंच बद्री में सबसे पुराना बद्री। यहाँ पे जो विष्णु जी का मूर्ति है वो स्टैंड है, मतलब वो खड़े हैं, और बद्रीनाथ में जो वो बैठे हुए हैं। तो ये मंदिर 1 महीने के लिए बंद होता है, और बद्रीनाथ 6 महीने के लिए। तो ये 16 दिसंबर को बंद होगा, और 16 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खुल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत पुराना वाइब्स है यहाँ पे, मतलब पुराना लगे कि बहुत ही पुराने जगह पे आए हो। बाकी यहाँ का व्यू आपको कैसा लगा बताना,
तो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, आसपास घूम। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये चक्रभान मंदिर और ये अन्नपूर्णा मंदिर, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। ये जानकी टेम्पल है, हनुमान टेम्पल, गणेश टेम्पल, राम लक्ष्मण सीता, ये शिव टेम्पल और ये काली मंदिर, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। टोटल 14 मंदिर हैं और इस मंदिर को ही पंचायत बद्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे भगवान की मूर्ति है। अब यहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ से अभी देहरादून नापना है शाम तक कैसे भी, तो रास्ते में जो भी कुछ अच्छा मिलेगा तो फिर आपको दिखाते हैं, वरना लंबा खींचते अभी सीधे क्योंकि बहुत दूर जाना है अभी। ये मंदिर का दर्शन हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं और बहुत दूर जाना है इसीलिए ज़्यादा देर रुके नहीं, तो फटाफट खींचते हैं। ये 95 का है जी सर, घट गया सर आज, कल 100 था ना, हाँ 5 रुपए आज घट गया, आज ही घटा है जी। अच्छा चलो, बहुत दिन बाद इतना कम देखने को मिला है। 107 हो गए सर। हाँ 12 रुपए अब पेट्रोल, 12 रुपए डीजल। हाँ चलो, थोड़ा अच्छा रहा हमारे लिए। हाँ एक्चुअल में ज्यादा हो ही गया था। हाँ ये कौन सा गाँव है? ये है आठ बद्री की चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी गढ़ी। हाँ, अच्छा आठ बद्री गांव। आठ बद्री गांव, ठीक ठीक। ये लो तो पेट्रोल डाला लिया, ये स्पीकर यहाँ पे बांधा, मैं गाना सुन के जा रहा हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं। निकलता हूँ यहाँ से फिर। अब भाई साहब पेट्रोल बहुत, मतलब इतने दिन बाद ऐसा मिला कि इतना कम हुआ। बाकी तो 107 रुपये, 108 रुपये देहरादून में भी है और 101 रुपये डलवाया था मैं आते टाइम पे, अब वो कौन सा जगह था पता नहीं। तो अभी मैं 50-60 किलोमीटर खींच लेता हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलता हूँ। कीर्ति नगर से आगे आ गया हूँ और ये जो ऊपर वाला रास्ता आप देख रहे हो ये जाता है न्यू टूरी की तरफ और नीचे वाला ऋषिकेश के डायरेक्ट, मतलब ऊपर से भी जाएंगे तो ऋषिकेश पहुंचेंगे लेकिन ये वाला सीधा रास्ता है। ऋषिकेश रह गया 85 किलोमीटर और देवप्रयाग 25 किलोमीटर। तो अभी देवप्रयाग जाऊंगा, वहां पे उतरूंगा नीचे में और कर्णप्रयाग से यहाँ तक मैं कंटिन्यू राइड ही कर रहा हूँ। दोस्तों भागते भागते हम आ गए हैं ऋषिकेश, बहुत टाइम लग गया लेकिन आज जो बाइक रेता मैंने, मतलब क्या बताऊं कैसा चला है। यहाँ पे गाना चल रहा है, कॉपीराइट ना ही आए तो अच्छा है। तो ये राइड कंप्लीट हो गया फाइनली। ये प्रयाग के बाद जो मैंने खींचा है, मतलब ना रिकॉर्ड किया कुछ ना रुका एक मिनट भी, बस मैं खींचता गया और डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा। अभी 8 बज रहा है तो रात के 8 बज गया है। आज का राइड जो था वो मतलब एक्सट्रीम राइड था, हेक्टिक था बहुत, बॉडी थोड़ा सा ऐसा थक गया लेकिन ठीक है, बहुत मजा आया। और इस राइड पे पंचबद्री करना था मुझे लेकिन नहीं हो पाया, एक में तो लैंडस्लाइड हो रखा था उधर नहीं जा सकते थे, तो उसी के आगे और एक और था तो मतलब दो नहीं किया मैंने और 3 बद्री कंप्लीट कर लिया मैंने, और केदार 2 कंप्लीट किया हुआ है, 3 नहीं किया हुआ है। तो ये पूरा ट्रिप आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नए ट्रिप पे, अब कहाँ जाएंगे पता नहीं, अभी तो फिलहाल मैं कुछ दिन में घर जाऊँगा और वापस आऊँगा तो कोई ट्रिप करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।